अभी मैं आया था अपनी गौशाला में और यहाँ से गोबर ले जा रहा हूँ अपने घर के लिए। जो पतला वाला गोबर रहता है उसको फुलवाड़ी बनाने के काम आएगा वो गोबर। और यहाँ पे एक ये पेड़ है, ये है छंचरे का पेड़। तो इस पेड़ से मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। एक बार मैं बचपन में, मतलब मैं था छठवीं या सातवीं, छठवीं क्लास में था, मैं छठवीं में था, तो मैं इसके ऊपर गया यहाँ पे। अब तो ये काफ़ी छोटा लग रहा है, उस टाइम काफ़ी बड़ा लगता था ये पेड़। मैं यहाँ पे इस तने में खड़ा हुआ और ऊपर इस वाले तने को पकड़ा मैंने, और गलती से ऐसे हुआ कि वो हाथ से छूट गया और मैं सीधे नीचे गिरा। यहाँ पर गिरा मैं, यहाँ पे, और यहाँ पे सीधे इस वाले पत्थर पे मेरा यहाँ पे लगी थी, और यहाँ ये आँख पे वो हुआ था, काला 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 सा हुआ था, खून जम सा गया था। तो इसमें पता है क्या कर रहा था, इसमें ऊपर से जाके हिला रहा था इसको जोर जोर से, और बोला था कि मैं शुक्ला गुरुजी की बाइक चला रहा हूँ। शुक्ला गुरुजी थे हमारे स्कूल में, जो कि हमको गणित पढ़ाते थे छठवीं क्लास में। उनकी डेथ हो चुकी है अभी, तो उनकी बाइक थी उस टाइम 2006 में। तो यहाँ कोई ऐसे तेज़ बाइक चलाता नहीं था, तो वो थोड़ा तेज़ चलाते थे बाइक, तो मैं उनको देख के यहाँ पे ऊपर चढ़ गया और बोल रहा कि मैं शुक्ला गुरुजी की बाइक चला रहा है। और उस दिन पता है क्या हुआ, मेरी सिस्टर और दीदी ने, छोटी वाली सिस्टर और बड़ी दीदी, इस वाले पेड़ को काटे थे, तिमले का पेड़, और वो मेरे पे हंस रही। मैं नीचे गिर गया, मेरे नाक से खून भी आ रहा है, वो मेरे पे हंसी जा रही, और चला बोला शुक्ला गुरुजी की बाइक। तो ये तो एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना था। और ये पीछे पे गौशाला है, यहाँ से थोड़ा सा गोबर भर रहे हैं अभी घर ले जाने के लिए। देखिए दोस्तों, जब प्लास्टिक के डिब्बे ख़राब हो जाते हैं, उनमें छेद हो जाते हैं, तो उनका यूज़ कुछ इस तरह से किया जा सकता है। हम इनको ऊपर से काट के इनमें फूल बोएंगे, और कुछ टाइम के बाद इनमें अच्छे वाले फूल हो जाएंगे, तो गमले का काम कर सकते हैं ये अभी। तो पहले इन डिब्बों में ये गोबर और मिट्टी का मिक्सर भरेंगे, और उसके बाद इनमें फूल बोएंगे। अभी शाम के 6:20 हो रहे हैं, और आप देख सकते हैं छोटी छोटी कुछ कीड़े मकोड़े ऊपर हवा में उड़ रहे हैं। तो एक्चुअली ये हैं चींटियाँ, जिन पर कि पंख लग जाते हैं और वो हवा में उड़ने लगते हैं, तो इनको हम मल्ला पोती बोलते थे। और ये उड़ के आते हैं ज़मीन के अंदर से, कहीं से भी निकल जाते हैं खेतों में से, और पंख लग जाते हैं और ये उड़ जाते हैं। इसके बाद ये चींटियाँ सारी मर जाएंगी, तो बचपन में हम इनको पकड़ते थे। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा। तो पानी बंद हो गया है अपने घर का, और यहाँ से डायरेक्ट अपने घर के लिए इतने सारे बर्तन ले जाने हैं पानी के। और जो गाय या बैलों को चराता है उसको यहाँ गढ़वाली में बोलते हैं गुईर, तो आजकल हम गुईर बने हुए हैं। चलो चलो चलो। अभी हम निकल पड़े हैं लंगड़े की खोज में, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे। और यहाँ पे जैसे ये उना है, तो ऐसी जगहों पे लंगड़े मिलते हैं। ये है बसणिया बोलते हैं इसको यहाँ, तो ये किसी काम नहीं आता है, बस एक दवाई के काम आता है। कहीं पे कट फट गया तो वहाँ पे लगाने के काम आता है। कर लंगड़ा पे अभी कुछ ही लंगड़े मिले हैं हमको, और देख सकते हैं ऐसी जगहों पे होते हैं लंगड़े, जंगल का पूरा एरिया। और पहाड़ दिखा दूँ आपको, काफ़ी ऊपर तक है पहाड़, ये सामने देख सकते हैं। आपको एक और चीज़ बता दूँ, हर कोई लंगड़ा खाने के लिए नहीं होता। जैसे ये लंगड़ा है यहाँ पे, ये वाले तो ये 20 लंगड़े हैं, इनको खाते नहीं हैं। और ये यहाँ पे है टिमरू का पेड़, टिमरू मतलब ये देख सकते हैं इस पे कांटे कांटे हैं, और जो महात्मा लोग रहते हैं वो इसके डंडे के रूप में करते हैं इसको यूज़, और इससे दातून भी बनता है, दांत साफ होते हैं। एक दातून निकाल दिया है इसका, इससे हम करेंगे दांत साफ। यहाँ हम बचपन में बैल चराने आते थे, यहाँ पे बैठे रहते थे हम। और यहाँ ऊपर देखिए पूरा जंगल जंगल का एरिया, फूल देखिए अच्छे वाले फूल। जिस एरिया पे हम चल रहे हैं तो इसको यहाँ बोलते हैं गढ़वाली में दौड़। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे पौधे लगा रखे हैं, ये हैं क्वेराल के, क्वेरियालो होता है एक यहाँ, ये है जैसे, तो इसके छोटे छोटे पौधे हैं, ये घास के रूप में यूज होता है। तो आपने देखा कि कैसे पहाड़ों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं आजकल,
और आजकल हर पेड़ पे नई नई कोपलें आ रखी हैं, नए नए पत्ते आ रखे हैं, और आजकल आपके भाई की दाढ़ी भी भयंकर वाली उग गई है। तो दाढ़ी तभी बनेगी जब कोरोना भारत से पूरी तरह चले जाएगा, तो उसके बाद ही बनाएंगे दाढ़ी, और बाल भी तभी बनाएंगे, बाल भी काफ़ी लंबे होने लग गए हैं। तो अभी मैं इस भारे को ले जाऊंगा अपनी गौशाला तक, जो घास का भरा है, घास की गड्डी है। अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा अपने लोकल मार्केट फाफंज, वहाँ से कुछ सामान लेना है घर का, और अपनी सिस्टर चला रही है बाइक। चलो नाउ सी इज परफेक्ट। और छत के पीछे है हमारी फुलवाड़ी, तो यहाँ गुलाब के फूल खिले हुए हैं, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा फूल अभी बो रखे हैं, कुछ टाइम के बाद हो जाएंगे। और ये देखिए इतने छोटे पौधों पर फूल आ रखे हैं, यहाँ देखिए ये वाला पौधा भी छोटे छोटे हैं, इन पे पूरे फूल लगे हुए हैं। तो ये अलग ही वैरायटी है फूलों की। आज है 26 अप्रैल, और आज केदारनाथ भगवान की डोली उखीमठ से प्रस्थान कर चुकी है केदारनाथ धाम के लिए। और इस बार केदारनाथ धाम की डोली जो है वो गाड़ी से गई, और उसके आगे पीछे सिर्फ डोली के आगे पीछे एक दो गाड़ियाँ थी। इस बार कोई भीड़ भड़ाका नहीं था, और मंदिर के कपाट टाइम पे ही खुलेंगे 29 अप्रैल को, अब तक खुल चुके होंगे। और मैं अभी लकड़ी ले जा रहा हूँ अपने घर को, यहाँ ये लकड़ियाँ थी ये देखिए। तो यहाँ ऊपर रोड कटने से जो लकड़ियाँ पेड़ कट गए थे वो उन्होंने नीचे डाल रखे थे, तो यहाँ से हम अपने घर को ले जाएंगे इनको, घर में इनको काट के अलग रखेंगे और लकड़ी के चूल्हे में काम आएंगी। तो देखिए दोस्तों, घर पे बैठा था तो मैंने सोचा कि एक वाटर पंप बना लिया जाए घर पे ही, और मेरे पे कुछ मोटर पड़ी हुई थी तो मैंने अभी जुगाड़ कर दिया है, एक डिब्बा काटा हुआ है इस टाइप का कुछ, और एक मोटर पे आगे से ऐसे पंखुड़ी बना दी है। तो देखते हैं इस पर अगर काम करेगा, अभी ये छोटा है, और अगर ये सही से काम करता है तो मैं एक पावरफुल मोटर ले आऊँगा मार्केट से, और उस मोटर से अपने धारे से अपने घर तक पानी खींचूँगा फ्री में, मतलब घर में बनानी है मोटर पूरा। और इसका मैंने थोड़ा मैकेनिज्म देखा था इस पर, किस पर यूट्यूब पर देखा था, तो काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, काफ़ी सारे लोगों ने मोटर बना रखी है, तो मैं इसका जुगाड़ करके, अभी मेरे पास फेविक्विक भी नहीं है, बस थोड़ा ऐसी पंखुड़ियाँ बना ली हैं, इसको जुगाड़ करके टेस्ट करेंगे, अगर ये काम कर पाता है तो उसके बाद मैं इसको बड़े आकार में बनाऊंगा, अभी तो छोटा बना रहा हूँ बस ट्रायल के लिए। और ये देखिए यहाँ पे कितना कबाड़ हो गया, और फाइनली एक मोटर टाइप की बना दी है मैंने, यहाँ से पानी जाएगा और इस पाइप के रास्ते बाहर आएगा, और ये पीछे मोटर लगी है 12 वोल्ट की। कोशिश तो यही थी मेरी कि इसको काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया जाए, अभी मैंने इसको वोडाफोन के टेप से लपेटा हुआ है पूरा ढंग से। अगर ये काम करता है तो मैं इसको बड़े लेवल पे बनाऊंगा और एक अच्छी सी मोटर बनाऊंगा अपने पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए। ये है मनसूना की साइड, सामने चौकंबा पर्वत पर बर्फ़ पड़ी हुई है, और आगे बारिश लग रही है झमाझम वाली। क्या यार। और आज मैंने बहुत सालों बाद बनाई है चरखी, बचपन की यादें ताजा होगी। और आपने भी अगर ऐसी चरखी अगर अपने बचपन में बनाई है तो कमेंट में जरूर बताएं। मेरे को 3-4 टाइप की और चरखी आती है बनानी, ये तो एक सिंपल वाली है, सिंपल भी नहीं है पर है ही, मैं भूल गया था इसको बनाना, थोड़ा टाइम लगा बनाने में इसको। और दोस्तों इस साल डेली का काम यही हो गया है, डेली लग रही है शाम को बारिश, और देखिए सामने के पहाड़ से बारिश, और नीचे जो नदी है थोड़ा मटमैली मटमैली और ज़्यादा आ रखी है, तो यानी कि बारिश ज़्यादा लग रही है। पूरे जो गेहूँ हैं वो ख़राब हो गए हैं, पूरी ढह गई है गेहूँ की फसल, इस साल पता नहीं क्या करवा के मानेगी ये प्रकृति। मौसम की बात की जाए तो इस साल बहुत ज़्यादा बारिश लग रही है, क्योंकि ठंड के टाइम से बारिश स्टार्ट हुई थी और अभी तक बारिश बंद नहीं हुई है, हर हफ्ते 2 हफ्ते में बारिश 2-4 दिनों के लिए आ ही जाती है,
तो इस बार पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ गर्मियों का, अभी मैं जैसे हाफ में हूँ तो थोड़ा थोड़ा ठंडा तो लग ही रहा है, और ऊपर पहाड़ों में बादल तो ये लगे हुए हैं। कल रात भी बारिश हुई, हर दिन यहाँ बारिश लग रही है। बहुत दिनों के बाद आज फिर से शूट कर रहा हूँ अपनी पहाड़ी लाइफस्टाइल, और रे चप्पल टूटी रे मेरे। और इस साल ये मौसम मानेगा नहीं, ओले पड़ रहे हैं, भयंकर वाली बारिश लग रही है बाहर। और गुप्त काशी देखिए सामने, भयंकर वाली बारिश, भयंकर भयंकर भयंकर। तो दोस्तों ये थी वो वीडियो जो मैंने लॉकडाउन के टाइम पे अपने गांव में शूट करी थी। मैंने हर दिन छोटी छोटी क्लिप शूट करी और उनको कंपाइल करके एक वीडियो बनाई। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अभी आगे जो वीडियोज़ आएंगी वो कुछ लेटेस्ट वीडियो आएंगी मानसून के टाइम की, हमारे गांव की, हमारे आसपास की। तो आज की वीडियो को अभी यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा, मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।